खबर है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से, जहां पर कुरेभार ब्लॉक क्षेत्र के ढेसरुआ ग्राम सभा के गुप्तारगंज पासार स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में, जहां पर ब्लॉक द्वारा गंगा माता संघ सहायता द्वारा 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों को चावल 1.5 किलो, गेहूं 1 किलो, चने का दाल चावल 1 किलो और 3 वर्ष से लेकर 6 साल के बच्चों को 1.5 किलो 1 किलो चावल, आधा आधा किलो 2 महीने का एक साथ दाल 1 किलो दिया गया। गर्भवती महिलाओं को 2 किलो गेहूं, चावल 1 किलो, दाल 1 किलो, वहीं कुपोषित बच्चों को 1.5 किलो गेहूं, 2.5 किलो चावल, 2 किलो दाल वितरित किया। अभी तक इसका लाभ 60 बच्चे 6 माह से 3 वर्ष को, 31 बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष को, 2 कुपोषित और 28 गर्भवती महिलाओं को दिया गया। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत है। किस लिए आज राशन बांटा जा रहा है? ये गंगा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा जो है, राज्य द्वारा आंगनबाड़ी सेंटर पे ये राशन गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को और 3 वर्ष से 6 माह के बच्चों को और जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको राशन एवं चने की दाल वितरित किया जा रहा है। 6 माह से लेकर 3 वर्ष के बच्चे तक कितना क्या क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है? 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 1.5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल। और 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या मिल रहा है? 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को 1.5 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल और आधा आधा किलो 2 महीने की दाल। गर्भवती महिलाओं को क्या मिल रहा है? गर्भवती महिलाओं को 2 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल और 1 किलो दाल। कुपोषित महिलाओं को क्या? कुपोषित बच्चों को 1 किलो 1.5 किलो चावल, 2.5 किलो गेहूँ और 2 किलो दाल। अभी तक इसका कितने लोग लाभ उठा चुके हैं? लगभग चौथी बार वितरित हो रहा है। आज अभी कितना लोग ले जा चुके हैं? आज 60 बच्चे जो है 6 माह से 3 वर्ष के, 31 बच्चे 3 वर्ष से 6 साल के, 2 कुपोषित और 28 महिलाएं जो गर्भवती और धात्री हैं। सुल्तानपुर से बट रहा है या फिर कूड़ेभार ब्लॉक के? कूड़ेभार ब्लॉक से हमें दाल प्राप्त होती है और राशन जो है कोटेदार के यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राजू जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।